हेलो दोस्तों, एक छोटा सा टॉपिक हमारा बच गया था, दैट इज़ द ह्यूमिडिटी एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो हमने वो तो समझ लिया था कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी और ह्यूमिडिटी कैपेसिटी नहीं समझा था, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी समझ लिया था, ह्यूमिडिटी समझ लिया था और रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमने समझ लिया था। बट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसी में, तो वो आज मैं समझाने वाला हूँ आपको। छोटी सी वीडियो रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा ये 4 या 5 मिनट की वीडियो रहने वाली है, ठीक है। आप इसे जो अपने जो लास्ट चैप्टर, मतलब ये जो लास्ट क्लास गई है ना, चैप्टर 12 की पार्ट 1, वहीं से आप इसे रिलेट कर सकते हैं। तो चलिए चालू करते हैं बिना समय गवाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका मतलब है ये एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है, ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी है और ये ह्यूमिडिटी कैपेसिटी है। यानी एक क्लाउड, एक एयर पार्सल जो कितनी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी उसकी हो सकती है। आपको ये तो पता ही है कि जब भी हम अर्थ से ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है। दैट इज़ वाई यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि टेम्परेचर 35 डिग्री, 20 डिग्री, 18 डिग्री, 16 डिग्री एंड 12 डिग्री। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। चलिए, अब आपको पता भी है कि जो हमारा ये, अगर मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, ये हमारी इक्वेटर है, बीच में से जाती है, ये हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, ठीक है। ये हमारा ट्रॉपिकल रीजन या इक्वेटोरियल वैक्ट रीजन बोला जाता है, जहाँ पर ऑब्वियसली जो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है, क्योंकि जो सन है उसको जो टिल्ट होता है या तो यहाँ पर रहता है या यहाँ पर रहता है। लाइक इक्वेटर एक ऐसा रीजन बन जाता है जहाँ पर सन जो है ना, मतलब मोस्टली कभी ऐसा होगा जहाँ पर सन नहीं देखे, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है हमेशा, ठीक है। अब देखिए, जो आपको ये भी पता है, ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है कि जहाँ पर इंसुलेशन सबसे ज़्यादा होगा तो उसके ऊपर की जो एयर है वो, उसका जो टेम्परेचर है इंक्रीज़ होगा और उसकी डेंसिटी जो है वो हमेशा कम होगी, ठीक है, और वो एक्सपेंड करेगी। तो यहाँ पर इवेपोरेशन रेट भी होगा। तो इवेपोरेशन जो समुद्र के ऊपर, अगर ये मान लीजिए एयर पार्सल है, यहाँ पर इंसुलेशन हो रहा है और इसके ऊपर की जो एयर है ये एक्सपेंड हो रही है, तो इसमें इवेपोरेशन होने के साथ साथ इसमें वाटर वेपर भी तो फिर मिक्स होंगे ना, ये अपने साथ वाटर वेपर भी कैरी करेगी। तो समझ लीजिए ये वाटर वेपर अब यहां पर है, ठीक है। अब मान लीजिए ये सरफेस है समुद्र की, ठीक है, लाइक सी सरफेस मान लीजिए, यहां पर ये सी सरफेस है और यहां पर जो ना सारी सारी वाटर वेपर यहां पर आ रही हैं, ठीक है। एक चीज दोबारा से बता देता हूँ, ह्यूमिडिटी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होती है, लाइक कोई भी एयर पार्सल लाइक ये मान लीजिए ये एयर पार्सल है, तो इसमें कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है, ठीक है। अगर यहाँ पर 21 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो ये 21 डिग्री पॉइंट समथिंग तक ही ये अपने अंदर वाटर वेपर कैरी कर सकती है, ठीक है। ये होगी हमारी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। अब जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर हम बात करें तो यही मान लीजिए ये एयर पार्सल है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये आधा जो है ना, मतलब इसकी जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कैपेसिटी है तो वो है 2 kg, लेकिन 2 kg तक ये वाटर वेपर अपने अंदर कैरी कर सकता है। बट यहाँ पर अभी जो इवेपोरेशन रेट के साथ अभी जो फिलअप हुआ है वो 1 kg हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो रिमेनिंग बची है, यानी अब इसकी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैपेसिटी होगी वो होगी 50%, ठीक है। जब ये 2 kg पूरा का पूरा कैरी कर लेगा ना, तो उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी 100%, ठीक है। तो अब 100% के बाद, जितनी भी 100% पर आने के बाद ये हो जाएगा सैचुरेटेड। मगर अभी ये जो 50% था, यहाँ पर था अनसैचुरेटेड और यहाँ पर हो जाएगा पूरा सैचुरेटेड, फुल्ली सैचुरेटेड। इसका मतलब कि 100 के बाद जितनी भी चीज़ें, अगर इसमें वाटर वेपर अगर दोबारा ऐड हुआ ना, या फिर कोई दूसरा एयर मास इसमें आकर दोबारा से मिल गया, तो यहाँ पर कंडेंसेशन और ये सुपर सैचुरेटेड हो जाएगा, फिर ये होल्ड नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पर फिर प्रेसिपिटेशन यानी बारिश स्टार्ट हो जाएगी। ये बात आपको समझ, चलिए अब इसे समझ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ह्यूमिडिटी कैपेसिटी का मतलब भी यही है कि वो अपने अंदर कितनी ह्यूमिडिटी अपने अंदर कैरी कर सकता है, ठीक है। चलिए, तो देखिए यहाँ पर जो मैंने लिख रखा है, ये यही लिख रखा है कि यहाँ पर देखिए जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है वो है 0.5 kg, ठीक है। मगर ह्यूमिडिटी कैपेसिटी यानी जो ये एयर मास है, इसमें इसके अंदर जितनी जो ह्यूमिडिटी यानी वाटर वेपर जा सकती हैं वो 2 kg के लगभग आ सकती हैं, 2 किलो के लगभग ये अपने अंदर वाटर वेपर यानी पानी जो वेपराइज वाष्पीकरण की फॉर्म में जो होता है, जो गैसियस फॉर्म में होता है, उसको कैरी कर सकता है, ठीक है। जब ये पार्सल, एयर पार्सल धीरे धीरे, आपको तो पता ही है कि जो एयर है वो हाई से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, ठीक है, हाई से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है ना, तो ये हाई वाली ऊपर वाली नीचे आ रही होगी, तो इसे ऊपर उठना है अब, ठीक है। आपको तो पता ही है ना कि एयर ऊपर की साइड उठती है, अब ये ऊपर उठेगी तो ऊपर उठने के साथ साथ इसका जो टेम्परेचर है वो भी डिक्रीज होगा, ऑब्वियसली होगा ना टेम्परेचर डिक्रीज, तो इसका जो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी है HC वो डिक्रीज हो जाएगी,
डिक्रीज हो जाए, क्योंकि ये फिर सिकुड़ता तो चला जाएगा। जब ये सिकुड़ता तो चला जाएगा तो इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो भी डिक्रीज होगी। जब डिक्रीज होगी तो ये डिक्रीज होकर 0.6 केजी रह जाती है, मगर इसमें जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी यानी इसके अंदर जो मॉइस्चर है अभी भी वो 0.5 केजी ही है। ठीक है, 0.5 केजी ही है। अब इसके बाद ये और ऊपर उठता है, 18 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हो जाता है पूरे के पूरे एयर मास का, एयर पार्सल का, और यहाँ पर जो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी है वो इसकी और डिक्रीज होकर 0.5 केजी हो जाती है, कि अब ये और सिकुड़ गया और ये 0.5 केजी से ज़्यादा अपने अंदर वाटर नहीं रख सकता। मगर एक बात ध्यान रखना कि जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है ना तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमेशा डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि जो एयर पार्सल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी यानी इसके अंदर जो एब्सोल्यूट यानी वाटर था वो भी 0.5 केजी है, और जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जितना ये कैरी कर सकता है वो भी 0.5 केजी है, यानी दोनों की दोनों समान है। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पर तो फिर बारिश होनी चाहिए। नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी बारिश यहाँ पर। ठीक है, बारिश की कुछ कंडीशंस होती हैं कि वाटर ड्रॉपलेट्स अगर टाइनी है ना, यानी स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, तो बिल्कुल बारिश नहीं होगी। ठीक है, अगर वाटर ड्रॉपलेट्स इन द सेंस अगर सिग्निफिकेंट वाटर ड्रॉपलेट बन जाते हैं, लाइक मोटी मोटी जो बूंदे बन जाते हैं, तो तभी बारिश होती है। ठीक है, छोटी छोटी बूंदों में जो झरना वगैरह आपने पढ़ते हुए देखा होगा, तो ऐसे जो ना उनकी जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, इन द सेंस कि वहाँ पर जो वाटर ड्रॉपलेट है बड़ी हैं, तभी उस जो एयर पार्सल उसके लिए बड़ी है। ठीक है, तभी वो छोटी छोटी जो झरना पड़ता है वो पड़ रहा होता है। ठीक है, अब आपने देखा होगा कभी कभी बहुत मोटी मोटी बूंदें भी पड़ती हैं, तो इसीलिए अब यहाँ पर जो अब ये ऊपर और उठेगा, ऊपर उठने के बाद इसका जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ होकर 16 डिग्री रह गया। जब 16 डिग्री रह गया तो इसकी जो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी है और डिक्रीज़ होगी, दैट इज़ दी 0.4 केजी रह गई। ठीक है, 0.4 केजी रह गई। अब जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी थी यानी इसके जो अंदर मॉइस्चर की जो वो थी प्रेजेंस, मॉइस्चर की प्रेजेंस वो इतनी ही है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इतनी ही है। ठीक है, अब इसमें देखो ये टाइनी ड्रॉपलेट्स हैं यानी स्मॉल ड्रॉपलेट्स हैं, आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे बिंदुज, ये स्मॉल ड्रॉपलेट्स हैं यहाँ पर, मगर बारिश नहीं होगी यहाँ पर, बिल्कुल भी बारिश नहीं, क्योंकि यहाँ पर अब डिफरेंस क्रिएट हो गया, क्योंकि जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है वो है 0.5 केजी, मगर जो ये एयर पार्सल कैरी कर सकता है वो है 0.4 केजी, तो इसमें 0.1 केजी जो है ना वो एक्स्ट्रा है। ठीक है, अब आप कहोगे सर यहाँ तो बारिश होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर जो बढ़ गया है, नहीं, यहाँ पर जो ड्रॉपलेट्स हैं वो बहुत टाइनी है, स्मॉल है, तो इसलिए यहाँ पर बारिश बिल्कुल भी नहीं होगी। मगर वहीं पर जब ये ऊपर और उठेगा तो यहाँ पर कंडेंसेशन प्रोसेस अभी स्टार्ट होने लगी है, ऊपर जाएंगे कंडेंसेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। अभी हम आपका अगला टॉपिक है प्रेसिपिटेशन, उसमें कंडेंसेशन प्रोसेस डिटेल में पढ़ेंगे क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जब ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो और ज़्यादा डिक्रीज होगा, यहाँ पर हो गया हमारा टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस। जब ये 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ पर हो चुका है तो यहाँ पर जो इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यानी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी है वो 0.3 केजी हो गई है। ठीक है, अब 0.3 केजी हो गई है। अब यहाँ पर जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, यहाँ पर ये जो टाइनी ड्रॉपलेट्स थी ना, ये आपस में आई, मिल गई, और ये इन्होंने बड़ी बड़ी ड्रॉपलेट बना दी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर डिफरेंस दोबारा बैठ रहा है 0.1 केजी का जो डिफरेंस है वो दोबारा से बैठ रहा है, तो यहाँ पर अब बारिश होगी, क्योंकि यहाँ पर जो वाटर के जो वाटर वेपर हैं उनका जो साइज़ है वो भी सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट यानी काफ़ी लार्ज हैं। तो यहाँ पर जब एक चीज़ पर जो बारिश है वो डिपेंड करती है, दैट इज़ दी mg, मास इनटू ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि आपको तो पता ही होगा धरती खुद की ग्रेविटेशन फोर्स है, और अगर कुछ भी जिसमें भार है तो वो उसको धरती अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। तो यहाँ पर जो है ये वाटर ड्रॉपलेट जब इनका सिग्निफिकेंट साइज हो जाएगा, मोटी मोटी हो जाएंगी ये बूंदे, तो इनको जो है ना धरती अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी। तो इसमें कितना ज़्यादा है, 0.1 केजी ज़्यादा है, तो 0.1 केजी को ये जो एयर पार्सल है ये आप होल्ड नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर जो वाटर वेपर का साइज है वो भी सिग्निफिकेंट हो चुका है, यानी बड़ा हो चुका है। तो अब इसको जो है ना धरती अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी, तो इसीलिए 0.1 केजी जो है वो प्रेसिपिटेशन में यानी बारिश की फॉर्म में नीचे आकर गिर जाएगा। फिर इसकी जो दोबारा से जो कंडीशन होगी वो यही होगी, 0.3 और 0.3। ठीक है, ये एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और ये है हमारी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। ये बात आपको समझ में आई?
ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर प्रेसिपिटेशन होती है, और ऐसे ही जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी और जो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी फिर या फिर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ऐसे ही वर्क करते हैं। होप कि आपको ये जो पॉइंट है समझ में आ गया, क्योंकि यही था ह्यूमिडिटी में और क्या नाम है रिलेटिव ह्यूमिडिटी में आपको समझाना था, यही चीज़ समझानी थी। ठीक है, होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है शायद प्रेसिपिटेशन, तो हम उसको काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। कंडेंसेशन भी पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन भी पढ़ेंगे, क्लाउड फॉर्मेशन भी पढ़ेंगे। तो बस बने रहिए इन्फॉर्मेशन ज्ञान के साथ, आपके भाई के साथ, अरुण शामू के साथ। ठीक है, तो अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अभी के लिए, फिलहाल के लिए आपसे विदा लेना चाहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।